अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको दोस्तों से कि एक और वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं होंडा सिटी 70 2022 मॉडल, जो कि साथी 70 आती है, और होंडा सिटी 70 2022 मॉडल 70 ड्रीम मॉडल। ये दोनों मॉडल जो है, इसलिए आपके सामने कंपैरिजन के तौर पे मैं लेके आया हूं कि साथी 70 की एक अपनी लुक है, ड्रीम की जो है वो अपनी लुक है। ड्रीम जो है इसकी स्पेशल से एक अलग वीडियो भी आएगी, जो कि मैं रेड कलर में बनाऊंगा। ये कलर मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद है, सिल्वर कलर है, ब्लू कलर की ग्राफिक डिजाइन के साथ ये कलर है, इंट्रोड्यूस है, बहुत प्यारा कलर है। स्टार्ट में वीडियो के बाइस की प्राइस के बारे में बता दूं, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में प्राइसेस जो है वो पूछते रहते हैं, और फिर डिटेल में बॉडी की ऑल ओवर जो है वो डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। दोनों ही बाइक्स 101 नई चेंजेस के साथ हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। होंडा सिटी 70 2022 मॉडल सादा है, वो 90,500 रुपए का है, और जो 2022 मॉडल सिटी 70 ड्रीम है वो 97,500 रुपीज की। वीडियो के स्टार्ट में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी सजेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को आगाज करते हैं। तो जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी होंडा सिटी 70 जो है वो ड्रीम से। सबसे पहले आप देखें कि इसका मीटर जो है वो साथी 70 ड्रीम से, साथी 70 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एक तरफ यहाँ पे आपको इधर से होंडा का सिटी 70 ड्रीम का वो नज़र आ जाएगा, न्यूट्रल का बटन और साथ फ्रंट लाइट आपको इधर नज़र आ जाएगी। यहाँ पे जो है वो आपको स्पीडोमीटर नज़र आ जाएगा, और साथ आपकी किलोमीटर की एवरेज है, और फ्रंट के ऊपर मतलब तकरीबन सेम चीज़ें हैं। हॉर्न का बटन है, इंडिकेटर का बटन है, फ्रंट लाइट वगैरह, और एक तरफ जो है वो इसकी सादी है, साथ इसके इशारे लगे हुए हैं। फ्रंट के ऊपर बड़ा ही खूबसूरत वाइजर है, जो कि सेम होंडा प्राइडर के अंदर भी आता है, जिसकी बड़ी प्यारी कलर टोन है। अगर आप देखेंगे जो सादी 70 है उसका जो है वो सिल्वर कलर का मटगार्ड आता है, और जो ड्रीम है उसका जो है वो बॉडी कलर मैच, अगर ब्लैक है तो ब्लैक होगा, रेड है तो रेड होगा, सिल्वर है तो सिल्वर। साथ इसमें यह ब्लैक कलर का टच है, देखिए सादी 70 में सिल्वर है, इसमें ब्लैक टच है। सेम अगर इसकी बॉडी के ऊपर आए तो इसका इंजन जो है वो मुझे काफ़ी मतलब खूबसूरत लगता है, ब्लू कलर का, और इसकी बॉडी का जो आप अगर आप इधर से कट देख सकते हैं, इसके बीच में एक इस तरह कट बनाया गया है जो काफ़ी जो है वो स्पोर्टी लुक देता है, और ये जो यंग जनरेशन है, बॉयज़ हैं, वो इस बाइक को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं। इसका टापा भी इसी तरह है, इसमें ब्लैक कलर की यहाँ पे एडिशन है ऊपर, यहाँ पे बड़ी स्लीक से इन्होंने डिज़ाइन बनाए हुए हैं। इंजन का अगर आप हेड कवर देखें और मैग्नेट टापे इसकी देखें तो वो ब्लैक कलर के हैं, सेम चेन कवर भी इसका ब्लैक कलर का। साइलेंसर जो है वो दोनों बाइक्स की तकरीबन सेम है, लेकिन इसका जो बैक मड गार्ड है वो है जी प्लास्टिक का है, एक तो पहली बात ये है, और वो ब्लैक कलर का है। तीनों मॉडल्स में इशारे तकरीबन सेम ही हैं, और बैक से बाइक को देख सकते हैं जी, बैक भी इसकी थोड़ी सी स्पोर्टी है, स्पोर्टी लुक देख सकते हैं। पीछे जी काशिफ उस्ताद जी बैठे हुए हैं, वो आज डिनर करा रहे हैं, डिनर पार्टी है, और हमेशा की तरह वहाँ महमूद होंडा सेंटर हमारे फ़ख्री पेशकश करते हैं, और 5S डीलरशिप है जी वाकई इनकी सबसे बड़ी, और जो भी क्लाइंट हो यहाँ से सेटिस्फाई हो जाता है, ज़रूर आप विज़िट करें इसको। फैसल भाई हमारे दोस्त जो हैं वो ये देखें जी, हमेशा मसरूफ़, हमेशा लोगों की खिदमत करने के लिए हाजिर। अगर हम अब बाइक की सादी 70 की तरफ आएँ तो सबसे पहले आप देखेंगे जी होंडा ने इस साल नए स्टीकर जो है वो इंट्रोड्यूस करे, नया कलर टोन इंट्रोड्यूस करवाया, और इसकी टैंकी में है, कोई कट नहीं है, बिल्कुल सेम डिज़ाइन है जो पिछले कोई 25-30 सालों से पाकिस्तान में आ रहा है। इंजन के अंदर इन्होंने इस दफ़ा चेंजेस किए हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चेंजेस किए हैं। बहुत ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं जी कि क्या चेंजेस हैं। ऑब्वियसली अगर आप एक होंडा यूज़र हैं, होंडा सिटी 70 यूज़र हैं, और अगर आपने ओल्ड मॉडल चलाया होगा तो यकीनन आपको ये न्यू चेंजेस जो एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा, बजाय आप गलत कमेंट करें और एक दूसरे को बदगुमान करें, उससे अच्छा ये है कि आप चीज़ को इस्तेमाल करें आपको। और ये पाकिस्तानियों की जी बड़ी अजीब बात है, पहले ना बोलेंगे जी कि ये गलत आ गया, मॉडल ये हो गया, और ख़ुद शोरूम पे आके फिर लेके भी जाते हैं, क्योंकि तो आप पहले फिर बदगुमानियाँ फैलाएं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को बुक्स ना रखें किसी चीज़ के लिए अपने दिल में, जब आपने ख़रीदी भी है बाद में। अगेन अगर इसके फ्रंट के ऊपर, फ्रंट से 70 का भी स्टार्ट करते हैं, फ्रंट जो है वो सेम फ्रंट है जी इसका, चौरस लाइट इशारे फ्रंट के ऊपर, होंडा का एम्बलम इसका यहाँ पे जी हॉर्न लगा हुआ है, सिल्वर कलर इसका मडगार्ड है, सेम दोनों के टायर हैं, ठीक है। अगर मैं बॉडी कंपैरिजन करूँ तो हाइट भी तकरीबन दोनों की सेम है, सिर्फ जो डिफरेंसेस हैं वो टैंकी टापों के अंदर, मडगार्ड के अंदर, फ्रंट वाइजर के अंदर। अब देखिए जी इसका मीटर काफ़ी ज़्यादा चेंज है ड्रीम के मुकाबले में, ठीक है। उसका साइड में यहाँ पर आपने देखा था एक पैनल बना हुआ था, 2 सेपरेशन उन्होंने बनाई हुई है, इसमें सिंगल मीटर है जो 1:5 में आता है। सेम इसका जो फ्रंट पैनल है वो इसी तरह का, हॉर्न है, इंडिकेटर्स हैं, फ्रंट लाइट, हाई बीम, लो बीम, ठीक है। अब इसकी जो टैंकी है उसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कैश डिपॉजिट 70, मतलब ये 70 किलोमीटर की एवरेज देती है, 70 किलोमीटर से ज़्यादा की देती है, नहीं 70। फैसल भाई हमें बता रहे थे कि 80 किलोमीटर होंडा बता रहे हैं कि जी ये दे रही है, ऑब्वियसली जो लोग चलाते हैं उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा, मैं 1:5 यूज़र हूँ तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये 80 चलती है, हो सकता है 78-75 जितनी भी ये चलती हो। ब्लैक के ऊपर सीट के ऊपर यहाँ पे रेड कलर का इसका जो है वो एक पोर्शन है, सेम ये जो चीज़ें ये खाली हैं,
ब्लैक जो है पट्टी है, जो चेन कवर है वो सादा है, सिल्वर कलर का मतलब ऑल सेम कलर है, मतलब सिंपल टोन इसको रखा गया पाकिस्तान में। जो आप कह सकते हैं कि जो हमारा जो अटायर है जिस तरह सलवार कमीज उसके साथ जो है वो हमारे जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो 70 जो है वो प्रेफर करते हैं सादी चलाने के तौर पर। जो बॉयज़ हैं जो 70 सीसी चलाना चाहते हैं वो लेते हैं जी 70 ड्रीम। आई होप सो ये दोनों वीडियोज़ आपको दिखाने का मकसद यही था कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी बाइक जो है वो ख़रीदना चाहते हैं तो कंपैरेटिवली आप दोनों को एक जगह इकट्ठा देख लें, आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि कौन सी बाइक जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है और कौन सी लेनी चाहिए। क्योंकि इस बाइक की जो बैक है वो काफ़ी मतलब सिंपल है, ठीक है, सिंपल डिज़ाइन है, इशारे बैक के ऊपर लाइट और बैक के ऊपर होंडा का एम्बलम और एक पट्टी। आप दूसरी बाइक के ऊपर लेकर चलते हैं, लाइट रहने का आपको छुट्टी दिखाएँ। इसका जो है खड़ी हुई किस तरह किया है, इधर से रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आप ये देखें इसका जो बैक लोगो है और बैक डिज़ाइन है ना वो काफ़ी डिफरेंट है, और साथ इसके इशारे हैं। अभी भी हमारे लेजेंड फैज़ान साहब आ चुके हैं, ठीक है, लेजेंड फैज़ान इसमें डाल रहे हैं पेट्रोल। हम आपको ये बाइक जो है वो अभी स्टार्ट करके दिखाते हैं। इसकी आवाज़ सुन लें आप लोग, सिटी 70 ड्रीम की आवाज़ है। पिछली वीडियो में आप लोग बोल रहे थे कि स्पेशल एडिशन की आवाज़ में आपने 1.5 की आवाज़ सुना दी है, तो अभी अगली वीडियो में लगाने लगा हूँ 1.5 वर्सेस स्पेशल एडिशन, इसकी भी आवाज़ सुन लें, बंद कर देंगे। आई होप सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही मतलब मैंने इसको शॉर्ट बनाने की कोशिश की है, सिंपल बनाने की कोशिश की है, प्राइस आपको स्टार्ट में बता दी थी। अगर आपने दोबारा भी पूछनी हुई कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये शोरूम जो है वाक एंड में मौजूद है, वाक एंड जीटी रोड निसार चस्सी टिक्का के बिल्कुल सामने, वाह महमूद होंडा सेंटर शोरूम का नाम है। आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने जी नंबर अपना वीडियो के ऊपर लगाया, लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो तंग किया, बहुत ज़्यादा खफा है, खफा भी हुए हैं हम लोगों से कि जी सिर्फ मतलब तंग कर रहे हैं, कोई पूछ रहा है जी इशारा कितने का है, कोई क्या चीज़ कितने की है, कोई टाइम आप नहीं देख रहे, रात को 2 बजे कॉल कर रहा है, कोई 3 बजे कॉल कर रहा है, तो इस चीज़ का जो है वो आप एज अ पर्सन भी ख्याल करें और टाइम का भी ख्याल किया करें कॉल करते हुए। कोई इसमें बुरी बात नहीं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन टाइम कोई ऐसा आप कॉल किया करें जिसमें अगला बंदा सोया बनाओ और किसी अपनी परेशानी में अगर मुब्तला और आपकी कॉल नहीं उठा सके तो आप जो इस तरह के जो बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं उससे भी बड़ा जो है दिल आजारी होती है, दूसरों हमें भी बुरा लगता है, जो चाहने वाले हमारे भी वीडियोज़ देखते हैं उन्हें भी बुरा लगता है। आई होप सो आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी, अगर कोई बुरी बात लगी तो मैं दिल से आपका माजरत करता हूँ। और अपना ख्याल रखें, ड्राइव सेफ, आराम से बाइक चलाएँ, क्योंकि रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो हादसा हो रहे हैं आजकल, पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। होप सो अगली जिस तरह के हालात मुल्क चल रहे हैं, मुझे तो फैशन में यही कह रहे थे कि सोराब साइकिल का अब शोरूम डालना पड़ेगा हमें, और मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा जो है वो रोज़ बर रोज़ महंगे होते जा रहे हैं। दुआ करूँ है कि मुल्क के हालात जल्द से जल्द बेहतर हों, पेट्रोल जो है वो सस्ता हो, बाइक जो है वो बिकें और लोगों का रोज़गार लगा रहे, हमारे मुल्क में तरक्की आए। अगली वीडियो में मिलते हैं, मैं हूँ आपका दोस्त रोज़ ऐसे की, अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ इट सेल्फ, पीस आउट।